हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकर। रात देख रहे हैं वकर टिप्स यूट्यूब चैनल। यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वे शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप दराज से इजीली अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के। यार पहले मैं आपको ना यार दो चार लोगों का विजिट करवाता हूँ दराज पे, कि यार लोग दराज पे कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे दराज से ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं घर बैठे, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के, ताकि आपको यकीन आ जाए कि हाँ यार अब वकर भाई सच बोल रहे हैं, ये वाकई ही तरीका चलने वाला है, इससे हम घर बैठे दराज से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के। पहले मैं आपको विजिट करवा, या सिंपली हम दराज की एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। दराज की एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद हमने सामने सिंपली जो सर्च बार है ना, सर्च बार के अंदर हमने लिख दिया GTA Vice City। जैसे हमने GTA Vice City लिखा, जितने भी लोग GTA Vice City सेल करते हैं यार वो आ गए। हम पहली दो तीन प्रोडक्ट्स विजिट कर लेते हैं। यार यहाँ पे दो तीन बंदे सेल कर रहे हैं GTA Vice City। यहाँ एक बंदा GTA Vice City सेल कर रहा है, तकरीबन 200 रुपये की, 199 की वो सेल कर रहा है, और उसके 31 पीस सेल हो चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं यार, वो 200 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसके 31 पीस सेल हुए हैं, तो उसने कितना अर्न किया होगा बगैर इन्वेस्टमेंट के। उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। आपने करना कैसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। यार उसके साथ ही एक बंदा और GTA ही सेल कर रहा है, यार वो सेल कर रहा है 250 रुपये की, और उसके आप देख सकते हैं 70 पीस सेल हुए हैं। ये यार उसने कहाँ से लिए, वो सब कुछ आपको बाद में बताता हूँ। उसके साथ यार मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे यार एक और बंदे का विजिट करवा देता हूँ। यार मैंने सिंपली यहाँ सर्च बार के अंदर लिखा है GTA 5। जैसे ही मैंने सर्च बार में GTA 5 लिखा है, यहाँ पे एक बंदा GTA 5 सेल कर रहा है तकरीबन 450 रुपये की, और उसके भी तकरीबन 31 पीस सेल हुए। यार खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा 450 की कोई चीज़ सेल कर रहा है, उसने उसके अंदर एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, और वो उसके 31 पीस सेल हुए होंगे, हुए हैं तकरीबन उसने 15,000-16,000 रुपया इसी एक प्रोडक्ट से अर्न किया है। उसके साथ ही एक बंदा और सेल कर रहा है GTA 5, वो बंदा GTA 5 सेल कर रहा है 1400 रुपये की, और उसके 17 पीस सेल हुए हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार वो कितनी ज़्यादा, उसने कितना ज़्यादा अर्न किया होगा GTA 5 से। तो बातें इस चीज़ की तरफ कि यार आपने काम क्या करना है दराज के ऊपर, आपने काम कैसे शुरू करना है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 वेज शेयर करूंगा। यार उन 5ों वेज को आप फॉलो करते हुए दराज से अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। यार मेरी गारंटी है, अगर आप उन 5ों वेज को फॉलो करते हैं ना यार, आप इजीली दराज से अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले मैं आपको यार वो 5ों पॉइंट्स बता देता हूँ, यार वो 5ों पॉइंट्स कौन से हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने उन पॉइंट्स के ऊपर अमल करके दराज से कैसे अर्न करना है। यार जो पहला पॉइंट है यार वो ये है कि आपने दराज के ऊपर क्या काम करना है, आपने क्या चीज़ दराज के ऊपर बेचनी है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है यार वो ये है कि आपने दराज के ऊपर जो दराज का सेलर अकाउंट है वो कैसे बनाना है। तो जो तीसरा पॉइंट है यार वो ये है कि यार आपने दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो आपको फ्री में कहाँ से मिलेगी, वो तक आपने इन्वेस्ट तो कुछ भी नहीं करना, इसलिए आपने जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी गेम दराज के ऊपर सेल करनी है वो आपको फ्री में कहाँ से मिलेगी। तो जो चौथा पॉइंट है यार वो ये है कि यार आपने जो आपको दराज के ऊपर ऑर्डर आएंगे यार आपने उनको चीज़ डिलीवर कैसे करनी है, क्योंकि इसके आपने जो सॉफ्टवेयर, जो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आपने दराज पे सेल करने हैं और आपने होम डिलीवरी नहीं करनी। जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे यार आपने उनको, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आपने उनको सेंड करना है। जो 5वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यार वो ये है कि यार आपने जो दराज के ऊपर काम करना है ना, वो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर सेल करने हैं आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सेल करने हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि यार आपने दराज के ऊपर करना क्या है। जैसे कि यार आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि यार हमने दराज के ऊपर यार एक्चुअल में सॉफ्टवेयर सेल करने हैं, जितने भी मार्केट के अंदर या ऑनलाइन जितने भी सॉफ्टवेयर, इतनी भी गेम, जैसे GTA 5 ऑनलाइन जो है यार वो पेड है, वो तकरीबन आपको 150-200 डॉलर की गेम मिलती है ऑनलाइन। अब लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो फ्री कैसे डाउनलोड करनी है और उसको आपने बेचना कैसे है। यार आपने करना यही है कि जितने भी मार्केट में पेड या ऑनलाइन पेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आपने उनको फ्री में डाउनलोड करना है और आपने उनको दराज पर सेल करना है। दूसरा पॉइंट यार, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, वो मैं आपको थोड़ा देर बाद में बताता हूँ कि आपने सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगे, जो हमारा तीसरा पॉइंट था। यार आपने जितनी भी गेम्स हैं उनको फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली गूगल क्रोम पर चले जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने वेबसाइट जो है ना, जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है, आपने सिंपली वो वेबसाइट लिखनी है गेमिंग लूप। जैसे ही आप गेमिंग लूप लिखेंगे आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। आपने उस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी गेम्स होती हैं, जितनी भी पेड गेम्स होती हैं, यहाँ तक कि आपको GTA 5 भी यहाँ से फ्री में मिल जाएगी, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर दराज पे सेल करना है तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है गेट इंटू पी सी के नाम से, आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाके जितने भी ये
फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, जितने भी ये प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं आपको ऑनलाइन पेड मिलते हैं, उस वेबसाइट से आपको फ्री मिल जाएंगे, आपने वहां से जाके इनको डाउनलोड कर लेना है। जो हमारा चौथा पॉइंट था कि यार आपने डिलीवरी कैसे करनी है, सेलर अकाउंट बनाना है, मेन चीज़ सेलर अकाउंट है, वो आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपने जो हमारा चौथा पॉइंट था यार आपने जो डिलीवरी कैसे करनी है, या नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमने डिलीवर करनी होती है, जैसे हमने दराज के वेयर हाउस से एक बंदा आता है, आपने दराज के पहले वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट भेजनी होती है, बाद में वो चीज़ डिलीवर होती है। यहाँ भी आपने ऐसा नहीं करना, आपने करना ये है कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा आपने उस बंदे से ईजी पैसा या जैज़ कैश में अपने जो उससे पैसे ले लेने, ईजी पैसा जैज़ कैश में भी ले सकते हैं आप, जो अपना दराज का वॉलेट है आप दराज के वॉलेट में भी अपनी पेमेंट जो अपने कस्टमर से पेमेंट है वो दराज वॉलेट में भी मंगवा सकते हैं। जैसे ही आपके पास पेमेंट आ जाएगी आपने उस बंदे को जो आप जैसे मान ली GTA Vice City सेल कर रहे हैं ना, आपने GTA Vice City उस बंदे को मेल कर देनी है, यानी उसको सेंड कर देनी है। उस बंदे के पास जब सेंड होगी वो वहाँ से डाउन वहाँ से उस मेल में से GTA Vice City हो सकती है, GTA 5 हो सकती है, Illustrator Premier वो जौन सा भी सॉफ्टवेयर होगा वो उसको डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकता है। अब आते हैं यार पांचवें पॉइंट की तरफ कि यार आपने दराज के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर सेल करने हैं। यार आपने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर सेल करने हैं यार जो मार्केट में लोगों को मुश्किल से मिलते हैं, यानी जो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, जैसे GTA 5 मार्केट में बहुत चलती है और लोग उसको खेलना भी पसंद करते हैं। और हमें नॉर्मल मार्केट से जो GTA 5 है ना वो तकरीबन में 1000-1500 रुपये की मिलती है, लेकिन अगर आप दराज में 500-600 की भी सेल करोगे ना यार आपकी इजीली डेली के 2-3 सेल हो जाया करेंगी। इसीलिए आपने दराज में वो चीज़ सेल करनी है जिसको लोग बाय करना चाह रहे हो। आप ये मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो आपने दराज में मेन सेल करनी है। आप GTA Vice City सेल कर सकते हैं, GTA 5 सेल कर सकते हैं, उसके अलावा क्रिकेट गेम सेल कर सकते हैं, उसके अलावा आप यार फोटोशॉप सेल कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर सेल कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट सेल कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो से दराज के ऊपर सेल कर सकते हैं, इन सब को आप दराज के ऊपर सेल कर सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि यार आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। यार सेलर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, आपने सिंपली जो गूगल है उसके ऊपर चले जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने सिंपली जो गूगल की सर्च बार है वहाँ पे लिखना है दराज सेलर अकाउंट। जैसे आप दराज सेलर अकाउंट लिखेंगे आपके पास पहले ही दराज की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे दराज डैशबोर्ड या दराज सेलर अकाउंट करके लिखा होगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वहाँ पे आप जैसे नॉर्मली कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं आप वहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके बैंक अकाउंट दे के आप दराज का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यार जोन से भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने GTA Vice City सेल करनी है ना, आपने सिंपली गूगल पे ही चले जाना, न्यू टैब ओपन कर लेना। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने जो GTA Vice City सर्च बार में लिखना है आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगी, वो इमेजेस आपने वहाँ पे अपलोड करनी है, अपनी प्राइस लिखनी है कि मैं इतने की ये चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ, आपने पब्लिक कर देनी है। जैसे ही कोई आपके पास बंदा उसको विजिट करेगा, आपको वो ऑर्डर देगा, आपके पास ऑर्डर का नोटिफिकेशन आएगा, आपने सिंपली उसी बंदे का जैसे ही उस बंदे से आपने पेमेंट मंगवा लेनी है अपने दराज के वॉलेट में, इजी पैसा जैसे आप जहाँ पे भी मंगवा सकते हैं, और आपने उसको मेल कर देनी है। यार फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, यार मैंने नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, उसके साथ साथ यार मैंने अपना नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, यार आप वहाँ पे जाके यार मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब वकर भी हमें यहाँ से समझ नहीं आई, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि यार हमने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है हमें समझ नहीं आ रही। यार जिन लोगों को यार ये प्रॉब्लम आ रही होगी यार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अगर ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जो अगर मैं देखूंगा अगर मैक्सिमम कमेंट्स हुए लोगों को समझ नहीं आ रही तो यार मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपने दराज पे सेलर, ये तकरीबन 2-3 मिनट की वीडियो होगी कि आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, तो वहाँ वो देख के आप सीख सकते हैं कि आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यार अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करके ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए अबू बकर टिप्स को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।